यूनिफॉर्म पे से आ ही नहीं भीगा था वो खून से। बेटा बात करना चाहता था पापा से, फोन पे ना आऊं जब लौट के तो पापा आप रोना नहीं, मामा को पड़ेगा रोज यूनिफॉर्म धोना नहीं। भाई बहुत ही प्यारा गाना लिखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जरूर चेक करना कब आओगे घर APS एंथम, मजा आ जाएगा, बहुत ही दिल से लिखा है। और यहाँ पे एक और रिएक्शन वीडियो हम लोग लेके आ गए आप लोगों के सामने, सभी हिप हॉप लवर्स को और सभी मेरे भाई बंधुओं को बहुत सारा प्यार। MC Stan आमीन गाना लेके आए हैं और 2-3 दिन पहले ये हर एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आ गया था और यूट्यूब पे भी आ गया था जनरेटेड होके, लेकिन हमें चाहिए ऑफिशियल तरीके से क्योंकि हम जो हैं प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो फिलहाल इस गाने को सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और देखेंगे गाने के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है। और यार इक्का की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी इस गाने को लेकर, उन्होंने बोला था कि भाई इस गाने के अंदर बेस्ट स्टोरी टेलिंग होने वाले, तो देखेंगे किस तरीके की स्टोरी टेलिंग है। हालांकि स्टोरी टेलिंग यार मेरे को ना MC Stan का काम बहुत ही पसंद आता है और ख़ासकर जो ये म्यूज़िक बनाता है, म्यूज़िक का एक अलग ही लेवल है। और मैं हमेशा कहता हूँ टॉप 5 में Stan, यस हमेशा मेरे टॉप 5 में, क्योंकि इसका जो काम है ना भाई, एक रैपर आप मुझे दिखा दो जो भाई Stan की तरह करता हो और जो अलग उसका म्यूज़िक हो, अलग उसकी वाइब्स हो, क्योंकि इसकी जो वाइब है ना वो एलियन वाला जो जोन होता है ना वहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट आता है और ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग ही रैपर को सुन रहा हूँ जिसको मैंने आज तक कभी सुनाया ना हो इंडिया के अंदर। फिलहाल गाने को सुनेंगे, लेट्स गो करेंगे और देखेंगे क्या कुछ खास। और जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार गाँव में हूँ, नेटवर्क बहुत स्लो आ रहा है इसलिए मेरे वीडियोज़ लेट आ रहे हैं, रिएक्शन वीडियो, लेकिन आप सभी का बहुत सारा प्यार है जो मेरा रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, तब लगता है जाके कि हाँ यार चलो अपने रिएक्शन चैनल की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही प्यार देते रहना। फिलहाल आमीन गाने को करेंगे, बहन 6.5 मिनट का गाना है भाई साहब, क्या बात है, यस लेट्स गो। डिजाइन बाय नो फिल्टर, यस बिलीव आर्टिस्ट सर्विस। भाई यार ये म्यूजिक में मेरे हिला देता है मेरे को यार, बकरी गॉड भाई, म्यूजिक में मुझे फील आ रहा है अशतक सरुल्ला वाला कहने के मेरे को लग रहा है यार ये। एक दिन देख के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देख, क्यों तू ऐसा हो रहा देख, टैटू सरे हाथ पे नहीं चलते अपने जात में, रिश्तेदारों की बात में फिर मेरे लोगों साथ में, आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन में करता अमीर लोग के बाथरूम की तरह, उतना मेरा घर था वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का रोज रखू रोजा, एक साल तक सोचा खुद को परोसा भरोसा, मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेवो मा है रे ब्रेवो मा होमी, पूछ मत क्या सिंजर्स है मैं सबर कर कवर, हर एक सेंटेंस के बाद बोल आमीन। और सबके लिए प्यार, हेटर्स के भी प्यार और मेरे होमीज के लिए भी प्यार, लेकिन जो यार स्टोरी टेलिंग किया भाई, अमीर के जितना बाथरूम था उतना मेरा घर था, मैं रिक्शा में सोता था और जो मैंने बोला है वो मैंने फील किया है, वो सब चीज़ें मैंने देखी हैं भाई साहब, घूस बम्स। और जो ये म्यूज़िक ड्रॉप हो रहा है ना एकदम ऐसे, वो इको होके जो ड्रॉप हो रहा है यार, वो चीज़ मुझे बहुत ही बेस्ट लग रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ Stan जो है जादू, एलियन, एलियन की नगरी से आया भाई बंदा यार, वाइब बहुत ही प्यारी, म्यूज़िक खुद ही बनाते हैं तो भाई अलग ही वाला सीन होने वाला है म्यूज़िक के अंदर भी, लेकिन जो शब्द है यार वो फील हो रहे हैं यार, बंदा यार नहीं दिखाया किसी को भी, लेकिन यस जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट यार आज Stan यहाँ तक है और मुझे लग रहा है कि 6 मिनट 6.5 मिनट के गाने पूरा अपना वो एक स्टोरी बताने वाला है वहाँ से लेके यहाँ तक की अब तक की। और एक चीज़ और बोली कि जो मेरे जो स्टाइल है, बालों का स्टाइल है, मैं होठ काले पी के तो ये सब सूख गए, खाने वाने का कोई ठिकाना नहीं है, और जो जो मैं हिप हॉप के अंदर जो सीन चलता है वो हमारे धर्म में नहीं चलता है, वो हमारे लिए वो खराब है, लेकिन फिर भी Stan वो कर रहा है, बहुत सही याद है, 1.5 मिनट में ही खिला दिया भाई। वो मेरे को भी फील हो रहा है अंदर से ना, एक ऐसे वो एक करंट सा आता है ना एक कि यार ये क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, वो अंदर से मेरे को शॉकिंग सा हो रहा है यार।
फिर पन मैं करता, अमीर लोग के बाथरूम की तरह उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का रोज रखू रोजा, एक साल तक सोचा खुद को परोसा भरोसा, मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेव माय हेड ब्रेव माय होमी, पूछ मत क्या सिंजर्स है आमें, सबर कर कवर वर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर्स है आमें। मेरे होमी की कैसे करूँ जामिन, I'm coming this house are planning, सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सारेन, किसका तो बन बाप गज का, किसकी तो भी माँ बहन, इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन, fuck you man, go home to your soul। तूने सुबह उठ के सन देखा, यार ये जो यार ये म्यूजिक मुझे को पूरा ऐसे वो जो ड्रॉप्स हो रहा ना एकदम ऐसे यू वाला फील आ रहा है मेरी बॉडी के अंदर से यार, बहुत प्यारा यार बहुत प्यारा यार। वो कह रहा है कि अभी मत पूछ, अभी तो मेरा ये स्टार्टिंग है और आगे आते आते भाई मैं क्या करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और दूसरे की माँ भे, fuck you man, go home to your soul। तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बन देखा, मन देखा, 18 में जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा, यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा, लड़की लोग का सेल देखा, खोजा मत मैंने जेल में लिखा, पब्लिक बोली का के दिखा, चल के दिखा फोटो ले, आज फिर 4 साल बाद सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा। स्टैन अपने अंदर की जो एक दुख भरी चीज है, जो स्ट्रगल क्या है वो यार, वो थ्रो कर रहा है सब चीज़ लफ्ज़ों से अपने यार। मैंने सब देखा है, लड़कियाँ सिविल होते हुए देखी है, जो हालात है वो सब चीज़ें देखी, और यहाँ पे वही सारी सारी चीज़ें बता रहा है यार। तूने सन देखा सुबह उठ के, मैंने गन देखा, वो रिलेटेबल कितना है यार वो देखो यार। वाह यार बहुत सही यार, बहुत सही यार। हालांकि इसको ऐसे आँख बंद करके सिर्फ फील करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें ये बोल रहा है ना यार वो एक हो रहा है यार वो यार। स्कूल टाइम में मैं फेम देखा, सबका सेम देखा, बहुत सही यार, बहुत सही यार। सेम देखा यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा, लड़की लोग का सेल देखा, खोजा मत मैंने जेल में लिखा, पब्लिक बोली का के दिखा, चल के दिखा फोटो ले, आज फिर 4 साल बाद सबको दिखा, सबको दिखा, सबको दिखा, लेकिन भागते तुम सच से, मेरे को पसंद सच, मैं बोलता हक से, दिख रहा मैं कब से, दुआ मांग रब से, गुस्सा तू बच्चे जैसे आमें, आज के बाद से फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से, माँ बाप को मान दे अपन आज के बाद से, भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से, आज के बाद से बात मत कर, आज के बाद से डबल डेट मत कर, तू आज के बाद से कर्मा गोना फक यू, आज के बाद से खुद का ख्याल रख, तू आज के बाद से पिल नहीं खाने वाला, आज के बाद से जेनेक्स मेरे पास में ना, मुंह में कैसे बात करूंगी तुम जिंदा लाश से, मार डालू तो तेरे मुंह पे खास के ब्रा, एक लास्टिक बात एक आमेन आमेन, हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला आमेन, ब्रेव माय हेड ब्रेव माय होमी, पूछ मत क्या सिंजर्स है आमेन, सबर कर कवर वर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या सिंजर्स है आमेन। परेशान भाग के जाओ किधर, सिगरेट जलाए मैंने इधर, पब्लिक जल रही ले उधर, बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर, कुरान में जिक्र सब बुक जरा डिप पर, एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर, इंसान की ट्रिप कर, बीटी से सिख कर, आयला में लिख कर, बैठे ला शांति से, गाने मेरे बात कर रहे, इंसान है खुद जाते तुम लोग क्या बात कर रहे, मजबूरी में चोर बन रहे, किसके कई को पैर पड़ रहे, बात मेरी होती सच इसलिए मेरी केयर कर रहे, पुलिस के पेड़ बढ़ रहे, बोले हम लोग चेंज कर रहे पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे, सेम कपड़े सेम लफड़े, हुड को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे, हर करे की मेरी को लड़की जैसा क्यों झड़ रहे, अच्छा करने गए तो किसका
अच्छे से मींस बन रहे ना पकी में गुसल कर रहे शैतान नमाज पढ़ रहे फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर इंसान ये क्या कर रहे अपनी हद पार कर रहे थोड़ी पर हो गए फेरी टेल डरता मैं मरने से सोच डाला क्या होगा मरने पे हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा प्रभु महेरा प्रभु महोमे पूछ मत क्या सिंजर से आवे सबर कर कबर वर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजर से आवे मरने के बाद भी गाने में रहेंगे I promise you टेंशन मत ले दो ना वी वाना बी ऑलराइट ये बात सबको पता है तेल कुर्सी पढ़ के सबको व्हाट आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्राउड आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्लाउड रुक मत रख किस पे इफ यू हैव एनी डाउट खुद पे मांगता प्राउड फक योर सिंपथी अकेला मैं बस भरोसा किस पे नहीं मांगते मेरे को दस एक होमी बस आई मीन माय क्रश शो मी यू नो मी शो मी सम लव दिखाएंगे कब सिर्फ चल रहे लाला यू डोंट गिव अ फक तेरा प्यार तेरे पास रख आई एम रनिंग टू हाउ लॉकडाउन में करूं मैं शो पांचों कल में पढ़ के सॉफ्ट कोर्स नो फोर्स बट मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता किसको तो मानता है व्हाट अबाउट जानता देखो फैंस के मेकर करता लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा ढूंढने के फेवर मेरी माइक पे लील बन बजा ऊपर का संदेश आ गया क्या गाने का कुछ तो होगा यार पक्का बेस्ट यार बेस्ट ये मेरे को लग रहा है वो एक वो आखिरी में जो ग्राफिक वो दिखाया ना सीन उड़ते हुए तो लग रहा है कि वो ऊपर से कॉलिंग आ रहा है अगर फैन रहेगा तो अपने माँ की इज्जत कर डबल डेट मत कर अपने आप पे विश्वास रख स्टोरी टेलिंग भाई बेस्ट है यार वाकई यार मज़ा आ गया गाना सुन के यार और हर वो जो बीट ड्रॉप हो रहा था ना वो उस वक्त तो हमेशा मेरे अंदर एक ऐसे झन्नाटा सा आ रहा था लेकिन जो एक शब्द जब हम अपनी बातें बताते तो एक वो दर्द हमारा दिखाई दे जाता है वो एक गहराई रहती है आवाज़ के अंदर साथ में एक वो एक मोटी सी आवाज़ निकल के आती है वो चीज़ भाई मेरे को फील हो रही थी कि स्टैन भाई बंदा दिल से गा रहा है और जो फ्लो चेंज कर रहा था फ्लो स्विच कर रहा था एकदम से करते 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 स्पीड तेज ले गा रहा था वो फ्लो बहुत ही बेहतरीन था और 6.5 मिनट तक रैप करना बंदा एक ही फ्लो के अंदर और एक ही सांस के अंदर करते जा रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है और भाई मेरे को गाना सुन के बहुत मज़ा आया आप लोग बताइएगा लाइट भी चलेगी आप लोग बताइएगा आपको गाना कैसा लगा बढ़िया से यार ये गाना ऐसा है कि आँखें बंद करो और सिर्फ फील करो और पता चलेगा कि भाई बंदे ने कितना दर्द सहा है और भाई अभी ये स्टार्टिंग है मेरी कवर पर आगे तो वेट करियो जब मैं जाऊँगा तो जब तक मैं किस लेवल पर रहूँगा वो ज़रूर जाके चेक करना मेरी कवर पर बहुत प्यारा लिखा मज़ा आ गया गाना सुन के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा बाय बाय लव यू टेक केयर सभी को